हेलो एवरीवन, मैं हूँ विश्वेश और आप देख रहे हैं विश्वेश एकेडमी। तो दोस्तों, इस लेक्चर में मतलब बल्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, बल्ब से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके, उसके रिलेटेड जो कंसेप्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। ओके, जनरली क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर दो बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल कनेक्टेड है तो कौन ज़्यादा ब्राइटर है, मतलब कौन ज़्यादा रोशनी ज़्यादा दे रहा है। ओके, दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर सीरीज पैरेलल कनेक्टेड है तो कौन बल्ब फ्यूज हो चुका है, ओके, और कौन नॉर्मली वर्क कर रहा है, ठीक ना। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कौन पहले फ्यूज होगा। ओके, तो इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट होता है उसको डिस्कस करेंगे हम। यहां मैंने एग्जाम्पल लिया है दो बल्ब का, बल्ब वन बल्ब टू। बल्ब वन की रेटिंग जो है दी हुई है 120 वोल्ट 60 वॉट। बल्ब टू की रेटिंग दी हुई है 240 वोल्ट 120 वोल्ट। जब भी आप बल्ब खरीदने जाएंगे तो इस तरह की आपको रेटिंग दिखाई देगी। ओके, ये वोल्टेज रेटिंग होती है, एक पावर, ये पावर की रेटिंग होती है, ठीक। तो इसको पहले समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 120 वोल्ट इस बल्ब के क्रॉस देंगे तो पावर कितना कंज्यूम करेगा, 60 वॉट। इसके क्रॉस अगर 240 वोल्ट अगर वोल्टेज देते हैं इस बल्ब के क्रॉस, तो पावर कितना कंज्यूम करेगा, 240 वॉट, ठीक ना, सॉरी 120 वॉट ये कंज्यूम करेगा अगर हम 240 वोल्ट देते हैं। तो इसकी स्टडी हम एक बार सीरीज में लेके करेंगे, एक बार पैरेलल लेके करेंगे। ओके, दो केस लेंगे। तो पहला केस जो लेंगे हम सीरीज का, ठीक ना, सीरीज कनेक्शन। सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो क्वेश्चन ये होगा कि कौन ज्यादा ब्राइटर होगा, कौन ज्यादा रोशनी देगा, ठीक। तो लेट्स से पहला बल्ब को मैंने ऐसे कनेक्ट किया, दूसरे बल्ब को भी सीरीज में मैंने कनेक्ट कर दिया, कोई वोल्टेज दिया मैंने, ठीक। ये बल्ब बी वन बल्ब है और ये बी टू बल्ब है। तो इसके एनालिसिस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके बल्ब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि इसका पावर दिया हुआ है और पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है। हमको रिलेशन पता होता है वोल्टेज पावर में कि पी इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है। यहां से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर बाई पी, यहां से, ठीक। तो इस बल्ब की रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर आर वन कितना आ जाएगा इसका, बल्ब का 120 स्क्वायर, 120 × 120 डिवाइड बाई पी कितना है इसका, 60, 62 जा यानी 240 ओम्स आ गया, ठीक। तो इस बल्ब को आप इसके रेजिस्टेंस से आप रिप्लेस कर दीजिए, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी है, 240 ओम, ठीक, 240 ओम्स में आ गई। अब सिमिलरली उस बल्ब का भी निकालेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक। इस बल्ब का वोल्टेज की रेटिंग कितना है, वी स्क्वायर बाई पी, वी स्क्वायर कितना होगा, 240 का स्क्वायर कर देंगे, तो 240 × 240 डिवाइड बाई 120, ठीक ना, तो 122 जा 240 × 2 यानी 480 ओम्स, कितना आ गया इसका, 480 ओम्स। पहला स्टेप यही होता है कि रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, फिर सारी सारे क्वेश्चन का आंसर यहीं से निकल आता है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 480 ओम्स, ठीक। तो एक जो थंब रूल ये है कि जो सबसे ज्यादा रोशनी वो देगा जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ठीक, आई बात समझ में। देखिए ये अपने जब फुल कैपेसिटी पे कब होगा, जब फुल सिक्स जब अपना फुल ब्राइटनेस कब देगा, जब 120 वोल्ट आप देंगे, ठीक। 120 से ज्यादा आप वोल्टेज नहीं दे सकते इसमें, क्योंकि तो फ्यूज हो जाएगा, इसको मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 120। ये अपना फुल कैपेसिटी फुल ब्राइटनेस कब देगा, जब 240 वोल्ट पे आप इसको कनेक्ट करेंगे, तब ये 120 वॉट पावर कंज्यूम करेगा और अपने फुल ब्राइटनेस को देगा। यानी जब ये दोनों अपने फुल ब्राइटनेस पे होंगे तो ये 60 वॉट कंज्यूम कर रहा होगा और ये कितना कर रहा होगा, 120 वॉट। नो डाउट ये ज्यादा रोशनी दे रहा होगा जब अपने फुल कैपेसिटी पे होंगे, ओके, ये वाला ज्यादा रोशनी दे रहा होगा। लेकिन जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कोई जरूरी तो है नहीं कि इसको अपना इसको फुल वोल्टेज मिल रहा होगा, इसको भी फुल वोल्टेज मिल रहा होगा, ठीक ना। तो उस केस में हम नहीं बता सकते कि कौन ज्यादा ब्राइटनेस दे रहा है, ठीक। तो इसके एनालिसिस देखिए कैसे करते हैं, हमने पहले रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया। अब लेट्स से हमने वी वोल्ट का सोर्स लगाया, इसमें करंट कितना फ्लो किया, आई करंट फ्लो करेगा, करंट दोनों के लिए सेम है, ठीक। तो ये हम निकाल सकते हैं पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, कंपेरिजन कर सकते हैं, ये पावर कितना कंज्यूम कर रहा होगा, आई स्क्वायर इंटू 240, ठीक, ये पावर कंज्यूम कर रहा होगा, आई स्क्वायर आर होता है, ये पावर कितना कंज्यूम कर रहा होगा, करंट दोनों में सेम है, आई स्क्वायर इंटू 480, ठीक। यहां से आप बता सकते हैं कि ये पावर कौन ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, ये वाला। तो इसमें ब्राइटनेस कौन ज्यादा, सबसे ज्यादा ब्राइटनेस कौन शो कर रहा होगा, ये ज्यादा ब्राइटर ही होगा। लेकिन इसका कंक्लूजन मत निकाल लीजिएगा कि ये ज्यादा वॉट का था इसलिए ज्यादा ब्राइटनेस दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ, हमेशा आपको रेजिस्टेंस निकालना ही होगा। देखिए मैं अभी मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसका मैंने 480 वॉट का ले लिया, मैंने मान लीजिए मैंने 480 वॉट ले लिया, ठीक। अब देखिएगा अब सिचुएशन बदल जाएगी, अब हालांकि अभी भी इसका वॉट वॉट ज्यादा है, ज्यादा पावर का रेटिंग का है, लेकिन देखिए सिचुएशन बदल जाएगी। देखिए जब आपने 480 वॉट लिया तो रेजिस्टेंस इसका कितना आएगा,
इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर टू हो जाएगा 240 का स्क्वायर डिवाइड बाई 480। ठीक, तो 240 इसको ऐसे लिख दीजिए आप, 240 इंटू 240, 240 टू जा, ठीक, ये कितना हो गया 120। ठीक, तो 120 ओम आ गया इसका। ठीक, अब सिचुएशन पूरी बदल चुकी है, फिर से करंट इसमें कुछ फ्लो कर रहा होगा, कोई करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक, लेट से कोई भी करंट फ्लो कर रहा होगा, हमें नहीं पता, लेकिन ये तो कंफर्म है कि दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा होगा। ये पावर कितना कंज्यूम कर रहा होगा, आई स्क्वायर इंटू 240। अब ये पावर कितना कंज्यूम कर रहा होगा, आई स्क्वायर इंटू 120। ठीक, अब सिंपली आप देख सकते हैं कि पावर ज्यादा कौन कौन कंज्यूम कर रहा है, ये वाला करंट कंज्यूम कर रहा है ज्यादा, तो इसमें ब्राइटर कौन होगा, ज्यादा ज्यादा रोशनी कौन दे रहा होगा, ये वाला दे रहा होगा। ठीक, तो डायरेक्टली आप वाट को देख करके, 60 वाट या 480 वाट देख करके आप नहीं बता सकते कौन ज्यादा ब्राइटनेस शो करेगा। आप सबसे बेस्ट तरीका है उसके रेजिस्टेंस को निकालिए, और करंट तो सीरीज में सेम होता है, आप कंपैरिजन तब कर सकते हैं। ठीक ना, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये दोनों बल्ब जब सीरीज में कनेक्टेड हो, ये दोनों बल्ब सीरीज कनेक्टेड हो तो कितनी हम मैक्सिमम कितना वोल्टेज हम दे सकते हैं ताकि कोई बल्ब फ्यूज ना हो। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देंगे, इसमें भी सेम चीज, आपको पहले रेजिस्टेंस निकालिए आप, इसका वोल्टेज कितना आया था 240 ओम आया था, इसका रेजिस्टेंस कितना था 120 ओम आया था। ठीक, आई बात समझ में, तो देखिए अब क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम कितना वोल्टेज यहां पे दे सकते हैं, वी की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम ताकि कोई भी बल्ब फ्यूज ना हो। ठीक, एक हमको मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है। ठीक, तो देखिए इस वोल्ट इस बल्ब की हमें वोल्टेज रेटिंग पता है 120 वोल्ट, इसकी वोल्ट इस बल्ब की वोल्टेज रेटिंग कितनी 240 वोल्ट, तो ऑब्वियसली सबसे पहले वोल्टेज का बर्डन किस पे आएगा, इस पे आएगा, क्योंकि इसकी वोल्टेज रेटिंग क्या है 120 है और इसकी 240 है, मतलब ये हुआ 120 वोल्ट से ज्यादा आप देंगे तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ठीक, इस बल्ब में अगर 240 वोल्ट से ज्यादा आप देंगे वोल्ट देंगे वोल्टेज तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा, लेकिन इसका कम है ये जल्दी फ्यूज होगा। ठीक, तो मैंने मान लिया कि इसके अक्रॉस मैंने क्या किया 120 वोल्ट, इसको पहले मैंने दे दिया। ठीक, तो हमको पता चल जाएगा कि अगर ये 120 वोल्ट पे होगा तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, लेट से निकाल सकते हैं आई की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज पता है रेजिस्टेंस पता है, तो आई क्या होता है वी बाई आर होता है, तो 120 डिवाइड बाई 240, करंट कितना आ गया 0.5 एम्पियर आ गया करंट। ठीक, तो इसका मतलब जब अपने फुल रेटिंग पे होगा, सबसे पहली बात तो ये हुई कि सबसे पहले बर्डन भी ये आएगा उसके बाद ये आएगा, इसलिए मैंने पहले इस पे क्रॉस मैंने वोल्टेज मैंने 120 वोल्ट दे दिया। ठीक, तो करंट कितना फ्लो कर रहा होगा जब इसके क्रॉस 120 वोल्ट होगा तो 0.5 एम्पियर, 0.5 इस पे भी फ्लो कर रहा होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा आई इंटू आर, तो 0.5 करंट इंटू 120, ये कितना आ गया 60 वोल्ट, तो इसके क्रॉस 60 वोल्ट होगा। ठीक, तो जब ये वाला जब बल्ब जो है अपने जब फुल कैपेसिटी पे होगा मतलब 120 वोल्ट पे होगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा 60 वोल्ट होगा, तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया 180 वोल्ट। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, आप मैक्सिमम वोल्टेज कितना दे सकते हैं 180 वोल्ट आप दे सकते हैं, 180 वोल्ट से ज्यादा देंगे तो ये वाला बल्ब जो है फ्यूज हो जाएगा। और इसका एक और कंक्लूजन हुआ कि ये कभी अपने फुल कैपेसिटी पे वर्क नहीं करेगा जब इसके साथ कनेक्टेड होगा, कभी भी अपने फुल कैपेसिटी में नहीं आ पाएगा, मतलब फुल ब्राइटनेस कभी नहीं शो कर पाएगा, क्योंकि ये 60 वाट तक ही बस जा पाएगा, उससे ज्यादा आप वोल्टेज देंगे तो ये वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, फिर तो ये भी बल्ब नहीं जलेगा, ये तो फिर ओपन सर्किट हो जाएगा ना, ये फ्यूज हो जाएगा तो फिर आप ये सर्किट कैसा हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कभी अपने फुल कैपेसिटी पे नहीं जा पाएगा 240 वोल्ट तक, इस मैक्सिमम 60 वोल्ट तक जा सकता है। ठीक ना, आई बात समझ में। अब एक क्वेश्चन करते हैं गेट से रिलेटेड, गेट का क्वेश्चन है, गेट में पूछा गया 2001 में। ओके, टू इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब ऑफ 40 एंड 60 वॉट रेटिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द मेन्स। ठीक ना, दो बल्ब हैं, एक की रेटिंग 40 वॉट है, एक 60 वॉट का है। ठीक, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ऑप्शन चूज करना है, इसमें से ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ था, द बल्ब टुगेदर कंज्यूम्स 100 वॉट। ठीक ना, और दूसरा ऑप्शन है द बल्ब टुगेदर कंज्यूम 50 वॉट। ठीक, तीसरा ऑप्शन है द 60 वॉट बल्ब ग्लोज ब्राइटर, द 40 वॉट बल्ब ग्लो ब्राइटर। ठीक ना, इनमें से एक आंसर को चूज करना है। तो इसमें देखने वाली बात है कि यहां बल्ब की सिर्फ पावर रेटिंग दी हुई है, वोल्टेज रेटिंग नहीं दी हुई है। ठीक ना, तो अगर वोल्टेज रेटिंग नहीं दी हुई है, ठीक ना, तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें वोल्टेज की जरूरत होगी।
तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब भी वोल्टेज रेटिंग नहीं दी होती तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों के दोनों सेम वोल्टेज रेटिंग की है, तभी हम आंसर कर पाएंगे, ठीक ना। तो देखिए, और बोल रहा है कि अक्रॉस द मेंस ये दोनों बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है, ये नहीं बताया कि वो मेंस का वोल्टेज कितना है। जब तक वोल्टेज नहीं बताएगा तो हम पावर नहीं कैलकुलेट कर सकते कि कितना पावर कंज्यूम कर रहा है दोनों मिला के, ठीक ना। हम ये नहीं कैलकुलेट कर सकते, ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हमें वोल्टेज नहीं पता होगा तो हम नहीं बता सकते कि कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब कौन सा ज्यादा ब्राइटर है, कौन ज्यादा रोशनी ज्यादा दे रहा है, ये कैलकुलेट करना है, ठीक। तो बल्ब वन, बल्ब वन की रेटिंग क्या है, 40 वॉट, और वोल्टेज रेटिंग हमें दी नहीं तो उसको मैंने वी मान लिया, ठीक, दोनों की वी। बल्ब टू क्या हो गया, इसका कितना है, 60 वॉट दिया हुआ है, ठीक। इसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी है, इसकी भी वी, दोनों का मैंने सेम मान लिया, ठीक, ओके। अब रेजिस्टेंस आर वन क्या होगा, आर वन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी, पी वन, ठीक ना। पी वन की वैल्यू कितनी है, 40 वॉट। आर टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर बाई, दोनों की वोल्टेज रेटिंग सेम है, वी स्क्वायर बाई 60 वॉट। यहां से कंक्लूजन क्या निकला, आर वन बड़ा है क्योंकि आर, ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब आर वन इज ग्रेटर देन आर टू, हमें ये कंक्लूजन पता चल गया, ठीक। तो यहां पर अलग से लिख लेते हैं, आर वन इज ग्रेटर देन, मतलब इसका आर वन इज ग्रेटर देन आर टू, ठीक ना। चलिए, अब सीरीज में हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक, ये आर वन है, ये आर टू है, लेट्स से हमें मेंस के क्रॉस दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, हमें मेंस का वोल्टेज नहीं पता कि कितना वोल्टेज से कनेक्टेड है, इसलिए हम पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम पावर कैलकुलेट करने के लिए हमें वोल्टेज पता होना पड़ेगा, तभी हम करंट निकाल पाएंगे, तभी हम कितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं तभी कैलकुलेट कर पाएंगे। इसलिए ये दो ऑप्शन तो पहले निगलेक्ट हो गया कि हम पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक। तो यहां से लेट से करंट आई फ्लो कर रहा है और वी वोल्टेज के सप्लाई से करंट दिया हमने, ठीक, आई, तो ये पावर कितना कंज्यूम कर रहा होगा, आई स्क्वायर आर वन, ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा होगा, आई स्क्वायर, करंट दोनों में सेम है, आर टू। आर वन की वैल्यू ज्यादा है, मैंने अभी कंक्लूजन बताया, आर वन की वैल्यू ज्यादा है, तो पी वन इज ग्रेटर देन पी टू। तो ब्राइटनेस किसके प्रोपोर्शनल होती है, पावर के प्रोपोर्शनल होती है, ये ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है जब दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, इसका मतलब पी वन मतलब 40 वॉट वाला जो बल्ब है वो ज्यादा ब्राइटर होगा, ठीक। तो ऑप्शन क्या होगा, डी हमारा ऑप्शन होगा, तो 40 वॉट बल्ब ग्लो ब्राइटर, ठीक, आई बात समझ में, इस तरह से आंसर करते हैं, ओके। चलिए, अब केस टू लेते हैं, ये जो है अब पैरेलल कनेक्शन को डिस्कस करेंगे, ओके, जब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे फिर क्वेश्चन ये होगा कि कौन ज्यादा ब्राइटर होगा, ओके। जब ये दो बल्ब को मैंने पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो कौन ज्यादा ब्राइटनेस शो करेगा, अब क्वेश्चन ये है, ठीक। तो मैंने इस बल्ब को क्या किया, पहले बल्ब को बी वन को कनेक्ट किया, इसके पैरेलल में दूसरे बल्ब को मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, लेट्स से वी वोल्ट मैंने दिया, ठीक। अब ये वोल्टेज जो है पैरेलल में सब दोनों के क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज वी होगा, दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होगा क्योंकि पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ठीक। अब पहला स्टेप क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक, बी वन का, इसका रेजिस्टेंस बी वन का कितना आया था, पहले वाले का रेजिस्टेंस 240 ओम आया था, 240 ओम, इसका कितना आया था, 120, सॉरी ये कितना था, 480 वॉट था ना, ठीक। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आया था, 120 ओम आया था, ठीक, इसका रेजिस्टेंस। तो पहला स्टेप यही होता है, जब भी आपको इस तरह का आंसर करना हो तो रेजिस्टेंस का कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए, जो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस वो शो करेगा जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ठीक। तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम है, तो यहां पर फॉर्मुला क्या यूज करेंगे, यहां पर हमें वोल्टेज दोनों का सेम है, तो वोल्टेज के टर्म में पावर क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, तो यहां फॉर्मुला ये वाला यूज करेंगे, ओके। वहां पर करंट में सीरीज में करंट सेम होता है, इसलिए हम आई स्क्वायर आर यूज करते थे, आई बात समझ में। देखिए, अब इसका रेजिस्टेंस कितना है, 120 ओम है, तो ये पावर कितना कंज्यूम कर रहा होगा, पी वन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 240, ये पावर कितना कंज्यूम कर रहा होगा, वी स्क्वायर बाई 120। अब पावर कौन ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, ये वाला, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, तो ये पी वन जो है छोटा होगा, इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये क्या होगा, बड़ा होगा इससे, ठीक। तो ज्यादा ब्राइटनेस कौन शो कर रहा होगा, ये वाला शो कर रहा होगा, बी टू बल्ब टू,
ठीक ना। तो सिंपल से स्टेप है, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करिए, फिर कंपैरिजन आप कर सकते हैं कौन ज्यादा ब्राइटनेस शो कर रहा है कितना नहीं। ओके, कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, तो वोल्टेज दिया होगा, अगर वोल्टेज क्वेश्चन में वोल्टेज दिया हुआ तो आप पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से आप, ये वैल्यू होगा पावर की, ठीक, ये फॉर्मूला यूज करके कर, ठीक। आई होप आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन आप कर लोगे आप, ठीक ना। मेन चीज यही था कि आप रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करिए फिर आप कंपैरिजन कर लीजिए।